भावार्थ इंद्र ने गायों को चुराने वाले अनु एवं द्रुहयु के हजारों अनुयायियों को नष्ट किया। यह इंद्र का एक महान पराक्रम था। धन लूटने वाले डाकू तथा द्रोहकारी शत्रु हजारों की संख्या में भी हों तो भी उन्हें निःशेष करना चाहिए। भावार्थ दुष्टों के साथ मित्रता करने वाले कला में चाहे कितने भी निपुण हों वे शत्रु ही होते हैं। ऐसे शत्रुओं के अंदर घुसकर उनका वध करना या उन्हें भगाना चाहिए। उनके भीतर ऐसी घबराहट पैदा करनी चाहिए जैसे जल प्रवाह नीचे की ओर दौड़ती है, उसी प्रकार वे तेजी से भाग जाएं। भावार्थ मनुष्य अपनी मातृभूमि के हित का विचार करे और अपने वीरों को नष्ट करने वाले तथा भोगों का हरण करने वाले शत्रुओं को नष्ट करे या उन्हें दूर कर दे, शत्रु के क्रोध को विफल कर दे तथा उसे ऐसा कर दे कि शत्रु के भागने के सिवा अन्य कोई मार्ग ही न सूझे। भावार्थ इंद्र ने एक दरिद्र के हाथों भी एक बड़ा भारी दान कराया, शक्तिशाली सिंह का भी एक बकरे से नाश कराया, सुई से खंभे के कोने को कटवाए और सब भोग्य धन सुदास को दिए। ये सब असंभव दिखाई देने वाले कार्य इंद्र ने अपनी शक्ति से करवाए। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी शक्ति बढ़ाए तथा असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाए। भावार्थ वीर मनुष्य शत्रुओं को वश में करे, अपने समाज में फूट डालकर एक दूसरे से स्पर्धा कराने वाले का नाश करे। जो सज्जनों के विरुद्ध पाप का आचरण करता है उसे शस्त्र के प्रहार से नष्ट करे। जो समाज में रहकर अनेक पक्ष भेद पैदा करते हैं, आपस में झगड़ते हैं तथा इस प्रकार समाज का संगठन नष्ट करते हैं, वे समाज के महाशत्रु हैं, इन्हें नष्ट करना चाहिए। भावार्थ यज्ञ में या जिससे प्रजा की शक्ति बढ़ती है ऐसे कार्य में जो बाधा उत्पन्न करके प्रजा में परस्पर फूट डालते हैं ऐसे लोगों को नष्ट करना चाहिए। यम नियम का पालन करने वाले और संकटों से पार करने वाले वीर अपने नेता का संरक्षण करें। गति करने वाले, जल्दी से कार्य करने वाले एवं याजक ये सब अपने नेता को सहायता प्रदान करें तथा उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करें। भावार्थ पूर्व समय में इंद्र ने जो कृपाएं की थीं या जो इस समय भी कृपा कर रहे हैं वे उसकी कृपाएं अवर्णनीय हैं। कृपा बिना कपट या निःस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। धन भी विभिन्न प्रकार के होने से अवर्णनीय हैं। घमंडी तथा गर्विष्ठ ही जिसकी मान्यता करते हैं ऐसे दाम्भिक एवं तुच्छ देवता के पूजकों अर्थात एक श्रेष्ठ देव की भक्ति न करने वाले शत्रु का वध करना चाहिए। देव एवं देवक इन शब्दों में देवक शब्द तुच्छ देव की पूजा के निषेधार्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार देवक का अर्थ छोटा देव है। भावार्थ पराशर तथा वशिष्ठ ये दो ऋषि ऐसे हैं जो सैकड़ों शत्रुओं का सामना करने वाले होते हैं। पराशर वह है जो दूर तक शर संधान करते हैं तथा वशिष्ठ वह है जो शत्रु का आक्रमण होने पर भी अपने स्थान पर दृढ़ रहता है। ये दोनों ही गुण विजय के लिए आवश्यक हैं। इन नेता रूप ऋषियों का यश घर घर में गाया जाता था। भोग्य वस्तुओं को प्रदान करने वाले ईश्वर की भक्ति से दूर नहीं होते थे, वे उसका प्रतिदिन स्मरण करते थे। भावार्थ इस मंत्र में एक राजा से 100 गायें, 2 रथ तथा रथ के साथ कन्याएं दान में मिलने का वर्णन है। इस प्रकार के दान ऋषियों के आश्रमों को मिलते थे जिन पर आश्रम चलते थे। इस दान में गायें तो छात्रों के दूध पीने के लिए उपयोगी हैं, रथ एवं घोड़ों का वाहनों में उपयोग हो सकता है, पर ये वधुएं तथा कन्याएं क्यों दी जाती थीं? यह अन्वेषण करने योग्य है। भावार्थ ऋषियों की भक्ति करने वाले सुदास राजा ने वशिष्ठ को सुवर्ण के अलंकारों से लदे ऊबड़ खाबड़ स्थानों में भी सरलता से जाने वाले 4 घोड़े दिए। भावार्थ दान ऐसा देना चाहिए जिससे चारों ओर यश फैले। विद्वानों में भी जो श्रेष्ठ विद्वान हों उन्हीं को दान देना चाहिए, विद्या विहीन को दान नहीं देना चाहिए। भावार्थ जो मरने तक उठकर लड़ते हैं
वे वीर मरुत हैं, ये ही युद्ध के नेता हैं, ये युद्ध संचालन की विद्या को जानते हैं, इसलिए इनको नरह कहते हैं। ये वीर्यवान पुरुष हैं, ये पूरी जनता के संरक्षक हैं, ये वीर देवों के भक्त की रक्षा करते हैं। एकोन विंसम सुक्तम भावार्थ, वीर तीखे सींग वाले बैल की भांति बलवान तथा भयंकर हों, वह सब शत्रुओं के स्थान को च्युत करें, कोई शत्रु अपने स्थान पर स्थिर न रह सके, कंजूस एवं अनुदार लोगों के स्थान भी अस्थिर रहें, ऐसे लोग राष्ट्र में बलिष्ठ न होने पाएं। जो यज्ञ करता तथा दान देता है उसे पर्याप्त धन प्राप्त हो, वीर अकेला होने पर भी अनेक शक्तिशाली शत्रुओं को अपने स्थान से उखाड़ डालता है। भावार्थ, जो प्रजा पर आक्रमण करके तथा उनका घात करके उन्हें नष्ट करता है वह दास है, जो समाज के लोगों के धन भोगों एवं सुखों का शोषण करता है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है वह शुष्ण है। कुयव वह है जो अपने सड़े गले धान्य को भी अच्छा बताकर लोगों को बेचता है, इस सड़े गले धान्य को खाकर प्रजा के स्वास्थ्य बिगाड़ता है। ऐसे समाज के शत्रुओं को समाज के हित के लिए नष्ट करना चाहिए, या ऐसे समाज के शत्रुओं को उत्तम शिक्षा देकर उन्हें संस्कारी बनाना चाहिए। भावार्थ, जिस प्रकार इंद्र अपनी शक्ति से अनेक संरक्षण के साधनों से सुरक्षा करता है, उसी प्रकार शत्रु को उखाड़ने के बल से सभी सुरक्षा के साधनों द्वारा प्रजा का संरक्षण करना चाहिए। युद्धों में तथा भूमि का बंटवारा करते समय झगड़े की जड़ दूर करनी चाहिए। भावार्थ, जिसका मन प्रजा का हित करने में लगा रहता है अथवा जिसने प्रजा का मन अपनी ओर आकृष्ट किया है वह नरीमन है, जहाँ देवों का सत्कार होता है वह देववीति है। राजा मनुष्यों का हित करने में अपना मन लगाए, प्रजा का हित करने में लगा रहे, युद्धों में अपने वीरों द्वारा बहुत सारे शत्रुओं का विनाश करे, दुष्टों के दमन से जो भयभीत होता है उसकी सुरक्षा के लिए बहुत से दुष्टों का वध करे। भावार्थ, हे वज्रधारी इंद्र, तूने शत्रुओं के जो अनेक नगरों का भेदन किया वह तेरा बल प्रसिद्ध है, शत्रुओं के किलों प्रकारों तथा नगरों को नष्ट करना चाहिए, उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए तथा उनमें जो विभिन्न रूपों में कष्ट देने वाले शत्रु हों उनका नाश करना चाहिए। भावार्थ, हे इंद्र, दाता के उपभोग के लिए सदैव टिकने वाला धन दो, बहुत शक्ति तथा बहुत सा सामर्थ्य प्रदान करो, बलवान वीर की सब जगह प्रशंसा हो। भावार्थ, मनुष्य शक्तिशाली बने, दूसरों की सहायता पर आश्रित न रहें, अपनी ही शक्ति से अपना कार्य करें, स्वावलंबी बने, क्रूरता रहित संरक्षक साधनों से प्रजा का बचाव हो तथा ज्ञानियों में भी अत्यधिक विद्वान बनकर ईश्वर के प्रिय भक्त बने रहें। भावार्थ, हे इंद्र, सबको श्रेष्ठ मार्ग से ले जाने वाले तुम्हारे प्रिय बनकर हम अपने घर में आनंद से रहें, आने वाले अतिथियों का सत्कार करें, मनुष्य धनवान बने, क्योंकि धन से ही सभी कार्य होते हैं, सभी अपने देश में सुख से रहें, अपने देश में रहकर भी लोग दुख न भोगें, सभी व्यक्ति अतिथियों का सत्कार करें, शत्रुओं को वश में रखें, उन्हें बढ़ने न दें, सभी व्यक्ति एक कार्य करने वाले एक दूसरे से प्रीति करने वाले अग्रगामी होकर कार्य को संपन्न करने वाले तथा अपने स्थान पर आनंद से रहने वाले हों। भावार्थ, पणि वे हैं जो पण्य करते हैं, वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, ये लोग व्यापार करने वाले हैं, ये अपना धन बढ़ाना जानते हैं, ये पण्य व्यवहारियों को भी दाता बना दिया, यह फल स्तुति के काव्य पढ़ने से हुआ, इसलिए इंद्र की स्तुति करनी चाहिए। भावार्थ, मनुष्य अन्य मनुष्य